गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल इन ईवीएस क्लास. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. क्लास वन, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर वन, अबाउट मी. दिस इज योर रिवीजन लेक्चर, लेक्चर नंबर वन. ओके, अब हम फर्स्ट टर्म का दोबारा से रिवीजन करेंगे, यानी आपकी जो फर्स्ट टर्म की बुक है हम वहीं से रिवाइज कराएंगे. चैप्टर नंबर वन, अबाउट मी, यानी अब हम दोबारा अबाउट मी का रिवीजन करेंगे. तो ये आपका रिवीजन लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर वन का रिवीजन करेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है. अबाउट मी इज बेसिकली माई सेल्फ. अबाउट मी क्या है, जो आपके चैप्टर का नेम है, ये बेसिकली एक माई सेल्फ है, यानी अपना परिचय देना. माई सेल्फ क्या होता है, अपना परिचय देना, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, यानी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम डैश, आई एम ए, यहां पर ब्लैंक आपको दिख रहा है. नेक्स्ट बॉय, बी ओ वाई बॉय, एंड जी आई आर एल गर्ल. तो अगर आप इसको फिल करेंगे, आपको कैसे फिल करना है, आई एम ए डैश बॉय और गर्ल. अगर आप बॉय हैं तो राइट डाउन बॉय, आई एम ए बॉय. अगर आप गर्ल हैं, यानी आप लड़की हैं, सो राइट डाउन आई एम ए गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूं. नेक्स्ट लाइन आपकी, माई नेम इज, माई मीन्स मेरा, नेम यानी नाम, इज है, वट एवर योर नेम, जो भी आपका नाम है आप यहां अपना नेम लिखेंगे. तो ऊपर वाले सेंटेंस, आई एम ए गर्ल, अगर आप गर्ल है सो राइट डाउन गर्ल, बॉय है सो राइट डाउन बॉय. देन माई नेम इज, राइट डाउन योर नेम, वट एवर योर नेम, जो भी आपका नाम है. माई बर्थडे फॉल्स ऑन, माई मेरा, बर्थडे यानी जन्मदिन, फॉल्स ऑन आता है, कब आता है आपका बर्थडे, जब भी आपका बर्थडे आता है, जिस डेट को भी. जैसे अभी अगर मैं बताऊं, माय बर्थडे फॉल्स ऑन 12th अप्रैल, यानी मेरा बर्थडे 12th अप्रैल को आता है. तो यहां पर आपको अपने बर्थडे की डेट लिखनी है. ओके, तो माय बर्थडे फॉल्स ऑन, जिस भी डेट को आपका बर्थडे आता है, आप वहां पर अपने बर्थडे की डेट लिखेंगे. ओके, नाउ आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी यहां पर आपको ईयर्स फिल करने हैं, यानी अगर आप 5 ईयर्स के हैं सो राइट डाउन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स के हैं सो राइट डाउन 6 ईयर्स. तो इसमें जो 5 ईयर्स के हैं वो 5 लिखेंगे और जो 6 ईयर्स के हैं वो 6 लिखेंगे. सो आई एम, जैसे मैं यहां पर लिखूंगी 6, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 6 साल की हूं. अगर आप 5 साल के हैं तो मैं 5 साल का हूं. ओके, नाउ आई विल रिपीट इट अगेन, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 12th अप्रैल, यानी मैं यहां पर 12th अप्रैल फिल करूंगी. आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फिल करना है, ये आपकी बुक का ही चैप्टर है अबाउट मी का, आप उसमें यहां पर फिल करेंगे. ओके, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 6 साल की हूं. आई यानी मैं लिव रहती हूं इन मे डैश, यहां पर मैंने फिर खाली स्थान छोड़ा हुआ है, यानी खाली जगह छोड़ी हुई है. तो अगर आप पटौदी में रहते हैं तो राइट डाउन पटौदी, आई लिव इन पटौदी. अगर आपका जो भी विलेज है, कुछ बच्चे आसपास के विलेज में रहते हैं तो वो अपने विलेज का नेम मेंशन करेंगे, जो जहां रहता है. कुछ बच्चे पटौदी में रहते हैं, कुछ हेली मंडी में रहते हैं, जो जमालपुर रहते हैं वो जमालपुर, जो भी आपका विलेज है, सिटी है, तो आप उसको यहां पर मेंशन करेंगे. जैसे यहां पर मैं फिल करूंगी, आई लिव इन पटौदी, यानी मैं पटौदी में रहती हूं. नेक्स्ट, माई फादर्स नेम इज, माई यानी मेरे, फादर्स नेम इज मेरे पिताजी का नाम है, यानी पापा. फादर्स कौन होते हैं आपके, फादर पापा. यहां पर आप अपने फादर्स का नेम लिखेंगे, यानी मेरे पापा का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है, आप अपने पापा के नेम की स्पेलिंग यहां पर लिखेंगे. माई फादर्स नेम इज, जैसे मैं यहां पर अपने पापा का नेम लिख लू, माई फादर्स नेम इज मिस्टर विनोद कुमार. तो आपके
यहाँ पर ये विनोद कुमार मैंने अपने पापा का नाम लिखा है, आपके जो भी आपके पापा का नाम है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी मेरे पापा का नाम विनोद कुमार है। नेक्स्ट, माई मदर्स नेम इज, माई मीन्स मेरी, मदर्स यानी आपकी जो मम्मी है, मदर कौन होती है आपकी मम्मी, माई मदर्स नेम इज यानी मेरी मम्मी का नाम है, यहाँ पर फिर खाली स्थान है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक जगह आपको दिखाई दे रही है, ब्लैंक होता है खाली, यानी जो ये डैश दिखाई दे रही है आपको ये ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे यानी अपनी मदर का नेम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको अपनी मम्मी का नाम लिख के बताऊंगी, यहाँ पर माई मदर्स नेम इज उषा कुमार, जैसे मेरी मम्मी का नाम उषा कुमार है, तो आपकी मम्मी का नाम जो भी है आप यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, माई टेलीफोन नंबर, TELEPHONE टेलीफोन, माई टेलीफोन नंबर इज यानी मेरा टेलीफोन नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर बताऊंगी अभी आपको, माई टेलीफोन नंबर इज 9891490560, तो ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मैंने यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर आपको बताया, बट आप अपने पेरेंट्स का यहाँ पर अपने पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। यू शुड लर्न द पेरेंट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑल्सो, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का नेम और टेलीफोन नंबर लर्न करना है, कोई भी मतलब लाइफ में आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, आप कहीं छूट जाते हैं तो आप कैसे हो, अगर आपको टेलीफोन नंबर अपने मम्मी का नहीं पता होगा, पेरेंट्स का नेम नहीं पता होगा, तो आपके आई के प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। अगर आपको अपने टेलीफोन नंबर पता है तो एटलीस्ट आप सेफली अपने घर तक पहुंच जाओगे, तो टेलीफोन नंबर बहुत जरूरी है आपके लिए, सभी को अपने पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर लर्न करना है। आई लाइक यानी मुझे पसंद है टू प्ले खेलना, आई लाइक टू प्ले, फिर यहां पर डैश दी हुई है, यहां पर मैंने खाली छोड़ा हुआ है, आई लाइक टू प्ले यानी मुझे कौन सा जो भी आपको गेम पसंद है, जैसे कुछ बच्चों को फुटबॉल पसंद है, कुछ बच्चों को रेस पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो आप यहां पर वही गेम मेंशन करेंगे जो आपको पसंद है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल यानी मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। नेक्स्ट, आई लाइक टू ईट, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूं टू ईट खाना, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी फेवरेट डिश होती है, तो यहां पर आई लाइक टू ईट स्वीट्स यानी मुझे स्वीट्स खाना पसंद है, स्वीट्स खाना पसंद करते हो ना आप, कुछ बच्चों को मीठा पसंद होता है, कुछ को नमकीन पसंद होता है, सो जो भी आपको पसंद है, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, आई लाइक टू ईट सॉल्टी, आई लाइक टू ईट स्पाइसी, तो जो भी आप पसंद करते हैं आप अपना वही मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट इज कलर, माई फेवरेट कलर इज यानी माई फेवरेट कलर इज यानी मेरा फेवरेट कलर है, जैसे कुछ बच्चों का फेवरेट कलर रेड होता है, तो आप यहां पर आरईडी रेड मेंशन करेंगे, माई फेवरेट कलर इज रेड, जैसे गर्ल्स होती हैं मोस्टली गर्ल्स को पिंक पसंद होता है, तो PINK पिंक, तो जो भी आपका फेवरेट कलर है आप यहां पर अपना फेवरेट कलर मेंशन करेंगे। ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फिल द डिटेल्स, आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है अभी यहां मैं आपको बताऊंगी। अबाउट मी आपका चैप्टर नंबर 1 है, अबाउट मी यानी अपने बारे में बताना, अबाउट मी बेसिकली इज माई सेल्फ, अबाउट मी क्या है, ये आपका एक माई सेल्फ है यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, सो लाइक दिस आई एम, जैसे आपको अभी बताया है आई एम ए यानी मैं हूं एक, अगर आप गर्ल हैं सो राइट डाउन गर्ल, और बॉय है सो राइट डाउन बॉय, सो आई एम ए बॉय, सो राइट डाउन बी, स्पीक एंड राइट, ओके आपको बोलना भी है और तब लिखना है, बी ओ वाई बॉय, जैसे मैं लिख रही हूं आप मेरे साथ साथ ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, बॉय मीन्स लड़का, मैं एक लड़का हूं। नेक्स्ट इज माई नेम इज यानी मेरा नाम है, आपका जो भी नाम है, जैसे अभी मैं यहां अपना नाम बताऊंगी, माई नेम इज प्रीति, PREETI प्रीति, तो यहां आपका जो भी नेम है आप अपना खुद का नेम फिल करेंगे, जैसे मैंने अपना नेम फिल किया है आप अपना नेम फिल करेंगे। ओके ओके, यहां दिस इज मी यानी यहां पर आपको एक अपनी
फोटो फिल करनी है। ये आपका एक छोटा सा कॉलम बना हुआ, पेस्ट योर फोटोग्राफ हियर, यहाँ पर आप अपनी एक फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। ओके, तो आपको माई सेल्फ की एटलीस्ट 5 लाइन्स लर्न होनी चाहिए अपने बारे में। फिर से यहां से आई एम ए बॉय, यानी जो बॉय है वो बॉय लिखेंगे और जो गर्ल है वो गर्ल लिखेंगे। यहां पर आप बॉय बॉय लिखेंगे और जो गर्ल है गर्ल भी लिख सकते हो, अगर लड़की है तो वो जी आई आर एल गर्ल। तो जो भी आप बॉय हैं तो बॉय और गर्ल है तो गर्ल। ओके, नेक्स्ट माई नेम इज, जैसे मैंने अपना नाम फिल किया है, माई नेम इज प्रीति, यानी मेरा नाम प्रीति है। नेक्स्ट माई बर्थडे फॉल्स ऑन, यानी मेरा बर्थडे, यहां पर आपको अपने बर्थडे की डेट लिखनी है। जैसे मैं अपने बर्थडे की डेट लिखती हूँ, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 12th अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल। आपको अपने बर्थडे की डेट अच्छे से मालूम है, तो जिस डेट को भी आपका बर्थडे आता है आप यहां पर अपने बर्थडे की डेट फिल करेंगे। ओके, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 12th अप्रैल, यानी मेरा बर्थडे 12th अप्रैल को आता है। नेक्स्ट इज आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यहां पर आप जितने साल के हैं आपको अपने ईयर्स लिखने हैं। जो बच्चे 5 ईयर्स के हैं वो 5 लिखेंगे, जो 6 के हैं वो 6 लिखेंगे। जैसे अभी यहां पर मैं फिल करूंगी आई एम, यानी मैं हूं 6 यानी 6 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 6 साल का हूं। आप यहां पर अपने जो भी आपकी एज है वो मेंशन करेंगे, अगर आप 5 साल के हैं तो 5 साल, और अगर आप 6 साल के हैं तो 6 यहां पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज आई लिव, एल आई वी ई लिव, लिव मीन्स रहना, आई लिव मैं रहता हूं इन, जहां भी आप रहते हैं। जैसे अभी मैं यहां पर फिल करूंगी पटौदी, तो पी ए टी ए यू डी आई पटौदी, मैंने यहां पर पटौदी फिल किया है, आई लिव इन पटौदी, यानी मैं पटौदी में रहती हूं। आई मीन्स मैं, लिव रहना इन पटौदी यानी पटौदी में, मैं पटौदी में रहती हूं। नेक्स्ट इज माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज यानी मेरे पापा का नाम है। जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। जैसे अभी मैं यहां पर मेंशन करूंगी माई फादर्स नेम इज मिस्टर विनोद कुमार, नो डी विनोद के यू एम ए आर कुमार। तो आपको अपने यहां पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा है यहां पर, तो मिस्टर के बाद आपको जो भी आपके पापा का नाम है आपको वही लिखना है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर विनोद कुमार, यानी मेरे पापा का नाम मिस्टर विनोद कुमार है। नेम मीन्स नाम। नेक्स्ट माई यानी मेरी, माई मदर्स, ये मदर्स को, मदर कौन होती है, आपकी मम्मी। माई मदर्स नेम इज यानी मेरी मम्मी का नाम है। तो आप जो भी आपकी मम्मी का नाम है, जैसे मैं अभी यहां पर कर रही हूं, माई मदर्स नेम इज उषा कुमार, माई मदर्स नेम इज उषा कुमार, यानी मेरी मम्मी का नाम उषा कुमार है। तो आपको जो भी आपकी मम्मी का नेम है आप वही यहां पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज माई यानी मेरा टेलीफोन, टी ई एल ई पी एच ओ एन ई टेलीफोन, माई टेलीफोन नंबर एन यू एम बी ई आर नंबर इज, यानी माई टेलीफोन नंबर इज मेरा टेलीफोन नंबर है। तो जो भी आपके पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर है आप वो मेंशन करेंगे एज 9891490560। नाउ आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, यहां से हम दोबारा रिपीट करेंगे, आई लिव, लिव मीन्स रहना, आई लिव इन पटौदी यानी मैं पटौदी में रहती हूं, माई फादर्स नेम इज मिस्टर विनोद कुमार, मेरे पापा का नाम मिस्टर विनोद कुमार है, माई मदर्स नेम इज उषा कुमार यानी मेरी मम्मी का नाम उषा कुमार है, माई टेलीफोन नंबर इज 9891490560, यानी मेरा टेलीफोन नंबर 9891490560 है। तो आपको भी
अपने पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर लर्न होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हॉबीज। यहाँ पर जो भी आपकी हॉबीज है, आप हॉबीज मीन्स यानी जो आपको पसंद होता है, आपके शौक है, जो हॉबीज, यहाँ पे हम हॉबीज वाला कॉलम फिल करेंगे। ओके, नाउ आई एल आई के ई लाइक, आई लाइक टू पी एल ए वाई प्ले, यानी आई लाइक टू प्ले, ये जो आपको जो भी गेम खेलना पसंद है, तो जैसे मैं अभी यहां पर फिल करूंगी, आई लाइक टू प्ले टेनिस, टी ई डबल एन आई एस टेनिस, आई लाइक टू प्ले टेनिस, यानी मुझे टेनिस खेलना पसंद है। आपको जो भी गेम पसंद है, आप अपनी पसंद का गेम यहां पर फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई एल आई के ई लाइक, आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है, तभी आपको स्पेलिंग लर्न होगी। जैसे अभी मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप यहां पर अपना जो भी वर्ड रीड कर रहे हैं मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, और इसको आपको स्पेलिंग बोल के लिखना है। ओके, आई लाइक एल आई के ई लाइक, आई लाइक टू ईट, ईट मीन्स खाना, आई लाइक टू ईट, मुझे खाने में पसंद है। आपको जो भी खाने में पसंद है, कुछ बच्चों को स्वीट्स पसंद होती है, कुछ को सॉल्टी, कुछ फ्रूट्स पसंद होता है, जैसे अभी मैं यहां पर फ्रूट्स करूंगी, एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स, आई लाइक टू प्ले, सॉरी आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, यानी मुझे फल खाना। फ्रूट्स क्या होते हैं, जो फल होते हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, तो ये सब क्या है, ये फ्रूट्स है जिनको हम फल बोलते हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं आपके, फल, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सब आपके फ्रूट्स। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, यानी मुझे फ्रूट्स खाना पसंद है। नेक्स्ट इज फेवरेट कलर, माई, माई मीन्स मेरा, माई मीन्स मेरा, फेवरेट यानी जो आपको पसंद होता है, माई फेवरेट कलर, सी ओ एल ओ यू आर, कलर मीन्स रंग, जो भी आपका पसंदीदा रंग होता है, इज यानी मेरा फेवरेट कलर है। जैसे गर्ल्स को पिंक पसंद होता है, पी आई एन के पिंक, यानी मेरा फेवरेट कलर पिंक है, गुलाबी। पिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाबी। अगर आपका ब्लू है, ग्रीन है, जो भी आपका फेवरेट कलर है, आप अपना फेवरेट कलर लिख सकते हैं। ओके, नाउ फिर से इसको रिवाइज करेंगे, आई लाइक टू प्ले टेनिस, यानी मुझे टेनिस खेलना पसंद है। ओके, नेक्स्ट आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, यानी मुझे फ्रूट्स खाना है, फल खाना पसंद है। माई फेवरेट कलर इज पिंक, मेरा फेवरेट कलर पिंक है। नेक्स्ट इज अबाउट योर स्कूल, यहां पर हम अपनी एक स्कूल की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। द नेम, एन ए एम ई, नेम, नेम मीन्स नाम, द नेम ऑफ माई स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल इज, तो यहां पर आपको अपने स्कूल का नेम फिल करना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, यानी मेरे स्कूल का नाम है, तो आपके स्कूल का क्या नाम है, वेस्ट अकेडमी, डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट, फिर से एक बार बोलेंगे, डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट अकेडमी, ए सी ए डी ई एम वाई अकेडमी, फिर से रिवाइज करेंगे, ए सी ए डी ई एम वाई अकेडमी, वेस्ट अकेडमी सीनियर, सीनियर कैसे लिखेंगे, एस आर और यहां पर डैश लगाएंगे, सेकेंडरी एस ई सी। ओके, नेक्स्ट स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, यानी मेरे स्कूल का नाम वेस्ट अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आपको ये अपने स्कूल का नेम सभी को लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज आई स्टडी इन क्लास, तो कौन सी स्टडी मीन्स पढ़ना, आई स्टडी मैं पढ़ता हूं, इन क्लास कौन सी क्लास में, क्लास फर्स्ट, यानी वन लिखेंगे यहां पे, ऐसे आप वन भी लिख सकते हैं, उसको फर्स्ट भी कर सकते हैं। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, यानी मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूं। नेक्स्ट इज द नेम, नेम मीन्स नाम, द नेम ऑफ माई, एम वाई माई क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास, टी ई ए सी एच ई आर क्लास टीचर इज, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज, यानी मेरी क्लास टीचर का नेम है, तो यहां पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे,
मिस प्रीति। द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज मिस प्रीति, यानी मेरी क्लास टीचर का नाम मिस प्रीति है। नाउ इज बेस्ट फ्रेंड, यहाँ माई बेस्ट फ्रेंड इज, यहाँ आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है। आप सभी के दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो आपका बहुत क्लोज होता है, यानी वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसको आप सबसे ज्यादा लव करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का, यहाँ पर मैं जैसे लिख रही हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड इज कुणाल, KUNAL कुणाल, यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम कुणाल है। मेरा आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसका यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। सो आई विल रिपीट इट अगेन, ओके। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, यानी मेरे स्कूल का नाम है वेस्ट, WEST वेस्ट। ऐसे ही आपको वर्ड्स को डिक्टेट करके पढ़ना है, तभी आपको फिर स्पेलिंग लाना होगी। अकेडमी, ACADEMY अकेडमी। सीनियर, SR सीनियर, SEC सेकेंडरी, SCHOOL स्कूल। द नेम ऑफ माई स्कूल इज वेस्ट अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी मेरे स्कूल का नाम वेस्ट अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आई स्टडी, STUDY स्टडी, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं, आई मीन्स मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूं। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज, यानी मेरी क्लास टीचर का नाम है मिस प्रीति। नेक्स्ट इज बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज BEST बेस्ट FRIEND फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज कुणाल, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड कुणाल है। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिखेंगे, बेस्ट फ्रेंड जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क। आपके होमवर्क में आज हम क्या देंगे, अभी आपको 5 लाइन्स लिखनी है माई सेल्फ है, ओके। तो आपको होमवर्क में अपने माई सेल्फ की 5 लाइन्स लिखनी है, ओके। थैंक यू।